दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंडी अनबॉक्सिंग। आज मेरे पास है बोट 170 स्पीकर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मेरा 2 साल का रिव्यू देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल ट्रेंडी अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलिए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मेरे पास है बोट 170 स्पीकर। दोस्तों, ये एक छोटा सा स्पीकर है और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर बोट का लोगो दिखने को मिलता है और यहाँ पर एक इंडिकेटर है। जब आप ये स्पीकर ऑन करते हो तो यहाँ पर ये LED ऑन हो जाती है और यहाँ पर ये ऑन और ऑफ बटन, और यहाँ पर सेंटर में है ये वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज का बटन। अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इधर इन्होंने सेंटर में नेट जैसा कुछ मटेरियल यूज़ किया है और इससे वो स्पीकर बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पर हम इसके पोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमको ऑक्स केबल का भी ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम माइक्रो USB केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको चार्ज करने के लिए, और यहाँ पर हम इसके अंदर माइक्रो USB कार्ड भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये एक स्मॉल स्पीकर है और आपको ये ऑनलाइन 1200 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी 2 साल तक यूज़ किया है और ये अभी तक बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप अगर एक पर्टिकुलर रूम में ये बोट 170 स्पीकर यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर आपका रूम बहुत बड़ा है तो साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। साउंड क्वालिटी अच्छी आती है पर ये उतना बड़े रूम में लाउड नहीं होता है। सेकेंडली, आप अगर इसका इस्तेमाल आउटडोर में करते हो तो साउंड क्वालिटी अच्छी मिलेगी, बट अगेन आपको साउंड लाउडनेस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आउटडोर ये उतना लाउड नहीं होता है। अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बोलूँ तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये दोस्तों, अगर ये गिरता भी है तो इसको कुछ नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और आप इसको ईजिली कहीं पर भी लेके जा सकते हो। ये आपके बैग में इजीली फिट हो जाएगा क्योंकि इसकी साइज बहुत ही छोटी है। अगर मैं इसके वेट के बारे में बोलूँ तो इसकी वेट भी ज़्यादा उतनी नहीं है। ये एक हैवी प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों, आई एम डेफिनेटली श्योर आप अगर ये बोट 170 स्पीकर खरीदते हो तो आप निराश नहीं होंगे। आई एम अ हैप्पी एंड अ सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफ दिस बोट 170 स्पीकर। ये बोट 170 स्पीकर डायरेक्टली बड़े ब्रांड से कम्पीट करता है इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आपको कहीं पे भी साउंड फटने के चांसेस नहीं मिलेंगे। इससे साउंड क्रिस्प और क्लियर आता है। तो दोस्तों, ये था मेरा बोट 170 का 2 साल का यूज़ का रिव्यू। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाना ना भूले, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।